दोस्तों ठीक ठाक है। मैं अभी अपने शहर ओकाड़ा में उस वक्त मौजूद अपने घर पे। यहाँ से अब मैं बाहर अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसके साथ गपशप करते जाके हेलो हाय बोलते हैं। कल से उसके पास गया नहीं, तो कुछ मतलब कोई हमारी आपस में कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई, तो वो मुझे फ़ोन किया था तो उसके पास चलते हैं। तो उसके बाद हम एक ज़बरदस्त सा व्लॉग बनाने के लिए अपने दोस्त के लिए बाहर जाएंगे। अपने एक दोस्त के घर में मौजूद हूँ। हमने बाहर वीडियो शूट करने के लिए जाना था, लेकिन उसने कहा अभी मैं नाश्ता वाश्ता करना है, मैं अभी तैयार श्यार नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो तुम तैयार श्यार हो जाओ, उसके बाद फिर चलते हैं। तो अभी भाई नाश्ता वाश्ता करके आते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बाहर और आप दोस्तों के साथ करेंगे शेयर। तो गाइस दोस्त के पास हम बैठे थे, तो दोस्त ने हमारे लिए चाय मंगवा ली कि चाय पी के जानी है। तो चाय भी पीते हैं साथ साथ, और उसके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू भी करते हैं, गपशप भी करते हैं। तो वो भी जैसे ही अभी आता है तो उसके साथ गपशप करते हैं, देखते हैं। अच्छा टेस्ट है। अपने दोस्त खलीकुल जमान के पास मौजूद है इस वक्त। ये हमारे भाई ओकाड़ा के जो है ना रहायशी हैं, और मैं भी वैसे बेसिकली ओकाड़ा का रहने वाला हूँ। तो लाहौर से ओकाड़ा का जो ट्रैवल है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है, तो आज मैं अपने दोस्त के पास आया था तो इससे बातचीत करते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिल भाई। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है इनका जी आपके? निकनेम जो है वो दिल है, वैसे जो सीधा नाम है इनका वो खलीकुल जमा है। तो दिल भाई कैसी तबीयत है सर आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। तबीयत से ठीक है अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। आजकल क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात है? आजकल? कुछ नहीं यार, बैंक में जॉब कर रहा हूँ तो बस बैंक की आपको पता है क्या मसरूफियत होती है। अच्छा, इसके बैंक के अलावा भी आपका कोई जो है ना कोई शौक किसी चीज़ का है आपको? जी मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है ये यूट्यूब चैनल बनाने का, तो मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, दिल चिश्ती ऑफिशियल चैनल के नाम से एंटरटेनमेंट चैनल है। उस पर मेरी कुछ थोड़ी बहुत ही वीडियो मैंने डाली, अपलोड की हुई है, ये छोटी शॉर्ट्स वगैरह अपनी। नहीं, वो आपका अपना पर्सनल कंटेंट बनाते हैं या अपलोड करके आप डालते हैं? जी अपना पर्सनल कंटेंट यही कि मैंने अपनी थोड़ी सी टिकटॉक वगैरह वो अपलोड की हुई है, तो बस टाइम नहीं मिलता ज़्यादा जॉब में मेरे, आजकल जॉब की तरफ तवज्जो है मेरी, तो इंशाल्लाह मैं अपना कंटेंट बना के इधर डालूंगा इंशाल्लाह। तो मैं अपना सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने चैनल को ग्रो करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अदील भाई आप यूट्यूब चैनल कब से जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल को बनाए हुए मुझे तकरीबन जो एक 3-4 माह हो चुके हैं, लेकिन ये है कि मैं उस पर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो जहाँ तक। YouTube के बारे में आपको प्रॉपर जानते हैं, इस पे कोई आपको लगता है फ़ायदा हो सकता है, कुछ जी, ऐसा कोई है सीन? जहाँ तक मैं लोगों को देख रहा हूँ माशाल्लाह काफ़ी लोग अर्न कर रहे हैं इससे और काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं। यूट्यूब एक वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अच्छी अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, और ये कि आप इस पे जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसका ये है कि आप अगर इस पे जल्दी आप अगर ग्रो करना चाहें तो उसको टाइम दें। आपका चैनल कब से आपने क्रिएट किया हुआ है? मुझे तकरीबन अपना चैनल बनाए हुए 5 माह हो चुके हैं, लेकिन मैं मेरी असल वजह ये कि मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा। आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए ना, अगर आपने बनाया तो क्यों नहीं आप प्रॉपर टाइम देते, वजह बस क्या है? मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि, और सबसे बड़ा मैं नुकसान मेरी इस बात का है कि मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया। अगर मैं इसको प्रॉपर टाइम दूँ और इस पर मैं वर्क करूँ तो इंशाल्लाह मैं ये अपना चैनल बड़ी जल्दी मेरा ग्रो कर सकता है और मैं भी इससे आगे निकल सकता हूँ। तो उदील भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं बहुत से लोग ऐसे जानता हूँ जिन्होंने YouTube चैनल से काफ़ी अर्निंग जो है ना वो करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ मकसद ये होता है, उनका एक प्रॉपर तरीका है, यानी कि अगर वो वीडियो अपलोड करते हैं तो प्रॉपर एक एक्टिव रहते हैं वो अपने चैनल पे। तो आप अपने चैनल पे हर मतलब एक्टिव नहीं रहते, कभी डाल देते हैं वीडियो कभी नहीं बस डालते, जी, यही बात ये है। मसला है। हाँ जी यही बात है। अच्छा, इसके आगे आप क्या चाहते हैं, मतलब अगर आपको YouTube चैनल से कोई अर्निंग आप प्लीज करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपको बेनिफिट जब मिलता है YouTube चैनल से तो आप करेंगे काम आगे? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा काम, और मैं इंशाल्लाह आज बल्कि एक एक दो दिन तक मैं ना जी इंशाल्लाह अपना ना ये चैनल को इम्प्रूव करता हूँ, ग्रो करूँगा ये, और ये मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा इस पे। तो आपकी थोड़ी बहुत ही हेल्प भी चाहिए माशाल्लाह। ये हमारे साजिद भाई हैं, तो ये बचपन हमारा इकट्ठा गुजरा है साजिद भाई के साथ। आजकल ये लाहौर होते हैं और काफ़ी अरसे बाद इन्होंने हमें टाइम दिया है, और माशाल्लाह इनका कंटेंट और इनका जो चैनल है, हमारी दुआ है कि बड़े जल्दी वो ग्रो करे, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो वो तो आपकी बड़ी हाँ जी मेहरबानी है हमारे भाइयों,
ये भी हमारा वाकई बचपन का दोस्त है, ये सबसे पहला दोस्त है मेरा, जब बचपन में हम इकट्ठे पढ़ते थे, सारा सिस्टम हमारा इकट्ठा था। लेकिन मैं एक दिल भाई आपको एडवाइस दूंगा कि आप अगर प्रॉपर काम करें तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं यूट्यूब से, और आपको बेनिफिट भी काफ़ी होगा। तो सिर्फ एक बात है कि आप इसके लिए, एक बात मैं अपने ऑडियंस से भी कह देता हूँ कि यूट्यूब चैनल जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग काम बहुत सारे करते हैं, करोड़ों के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो प्रॉपर काम करने के बावजूद वो छोड़ देते हैं, और उसके बाद ये होता है कि मतलब वो अपना यूट्यूब चैनल को, और वो वैसे डिसहार्ड हो जाते हैं, और वो इससे जो है ना वो कहते हैं कि नहीं। तो एक बात मैं, अच्छा शायद भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, आपकी बात को टोक रहा हूँ, माजरत। असल वजह पता क्या है, लोग डिसहार्ड क्यों होते हैं? लोग चाहते हैं कि भी हम आज वीडियो डाली है, कल हमारे जनाब को 1,000 को व्यू आ जाए, और जनाब 1,000 सब्सक्राइबर हो जाए, और हमें अगले दिन अर्निंग शुरू हो जाए। ऐसा नहीं ऐसा होता, हर होता नहीं, काम के लिए मेहनत होती है, अगर आप टाइम दरकार होता है, टाइम लगाना पड़ता है। एक सेकंड सर। आपका ये है अदिल भाई, आपसे भी मैं, कि मसला ये है कि जब भी आप यूट्यूब चैनल जब बनाते हैं ना, तो आपको कम से कम एक टाइम लगता है, एक अरसा लगता है इस पे बिल्कुल कामयाब होने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल ये ऐसा बात तो आप भी होता है। जानते हैं। जी, और ऐसा ये होता बात आपने बिल्कुल ठीक ही, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आज हमारा यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया है और महीने या 2 माह तक हम अपनी अर्निंग स्टार्ट हमें हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक मैं अपने दोस्तों से बात शेयर करूंगा, आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, और मोनेटाइज चैनल ऐसे है कि आपके चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर हो, 4,000 वॉच टाइम जो है ना, 4,000 घंटा आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो, उसके बाद भी ये नहीं होता कि आपको, अगर आपने 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करी है या वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद, तो आप सोचें कि आपको जो है ना आपकी जो सैलरी स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जितनी स्ट्रगल आप मोनेटाइज से पहले करते हैं, इससे डबल स्ट्रगल आपने बाद में करनी बिल्कुल, है। मेहनत करनी पड़ती है, हर काम में मेहनत होती है। अगर बंदा, अगर आप लिख, मैं जॉब पे मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ तो मुझे सैलरी मिलती है, बिल्कुल सही बात बगैर है। मेहनत के तो मुझे सैलरी नहीं देगा ना कोई जी। तो तो इसी आप, बिल्कुल यही। आपका जो हाँ जी अकाउंट है जी वो अदील चिश्ती के नाम से हाँ है, जी, अदील चिश्ती ऑफिशियल चैनल। तो मैं अपने ऑडियंस से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे भाई प्रॉपर काम करेंगे आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आज से ना जी तो मैं इनके भी चैनल आगे का नाम बढ़ूंगा। मैं अपनी वीडियो में मेंशन करूँगा, तो इनको सब्सक्राइब लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है, ताकि अगर आप दोस्त सपोर्ट करेंगे तो अगले बंदे की भी बिल्कुल जो है ना हौसला अफजाई होती है, वो कहता है कि मैं काम करूँ, बिल्कुल तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। और दिल भाई के साथ हमारा काफ़ी एक अरसा गुजर गया जो है दोस्ती यारी को, तो अब काफ़ी अरसे बाद आए हूँ, 2-3 माह गुजर गए तकरीबन, 4 माह, तो दोस्त के साथ जो है ना आप थोड़ा तो सा, इनसे कभी कभी मुलाकात होती है? पहले अक्सर बचपन हम स्कूल इकट्ठे जाते थे, एक ही मोहल्ले में हम इकट्ठे रहे हैं। अदिल भाई और मेरी एक एडवाइस है आपको, जी जी आप प्रॉपर काम करेंगे यूट्यूब पे जी इंशाल्लाह आज मैंने जी तो आज मैं से ये, मैं ना आप यकीन करें बहुत से लोग कामयाब हैं अपने यूट्यूब चैनल की वजह से, बहुत से लोग। हम लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं कि हम डिसहार्ड होके छोड़ देते हैं काम, जी मतलब 2 साल मेहनत की कुछ बनता नहीं, तो जब कामयाबी के नज़दीक पहुँचे तब हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना प्रॉपर कंटिन्यू करें, और अपनी वीडियो कोशिश करें कि अपना कंटेंट बनाएं, अपना पर्सनल कंटेंट, जी नहीं, मेरा तो अपना पर्सनल कंटेंट है, मैं कोई किसी को कॉपी नहीं किया आप हुआ टिकटॉक से ना उठाएं, ना अपना जी। पर्सनल बनाएं, आप प्रैंक बना लें, आप कोई स्पीच वीडियो बना लें, या आप कोई मतलब कोई व्लॉग बनाना चाहते हैं, मतलब अपना पर्सनल कंटेंट बनाएं जिसमें कोई कॉपीराइट ना हो। आपने यूट्यूब या उससे क्या कहते हैं टिकटॉक या स्नेक वीडियो से नहीं उठानी कोई भी वीडियो, आप अपने कंटेंट इंशाल्लाह डालें, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और प्रॉपर डालें तो 110% कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल जरूर ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे दोस्त को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना, मैं इनका बिल्कुल चैनल मेंशन करूंगा अपनी वीडियो में, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।